वेलकम टू आवर चैनल लाइव ट्रेडिंग। एंड कल के लिए अपने पास चार स्टॉक है जिन चार स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक हम लोग के पास अंबर राजा बैटरी। एंड अंबर राजा बैटरी को देखेंगे तो ये तीन दिन से एक रेंज क्रिएट कर चुका है। ये आज इसका चौथा दिन था और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, चार दिन मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसके बाहर ये नहीं जा रहा, इसके अंदर में ही ये ट्रेड कर रहा है। और ये भी कब बन रहा है, एक बुलिश रैली आने के बाद में। पहले एक बुलिश रैली देखने को मिला, फिर मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है। हम लोग इसको बाई करेंगे अगर ये 637.6 की ऊपर जाता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे। अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट बहुत बड़ा है, तो 628.65 का अपना स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 657.8 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 687 का। सेकंड नंबर पे हम लोग के पास ग्रिंडविल। एंड ग्रिंडविल को देखेंगे तो ये भी एक अच्छा खासा रैली के बाद मार्केट चार दिन एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, चार दिन मार्केट इसी रेंज में रहा और आज ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा। अब ये ट्रेड लाइन के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे कि कल अगर इस हाई के ऊपर अगर हम लोग को क्लोजिंग मिलता है, यानी कि 1950.2 की ऊपर का कैंडल बनता है तो हम लोग बाई करेंगे। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1923 का। इनके ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है तो इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे हम लोग। अपना टारगेट रहेगा 2034 का, मतलब 2034 का अपना टारगेट रहेगा। एक या दो दिन के अंदर यहाँ तक हम लोग को टारगेट देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पर हम लोग के पास एस्टैक। एंड एस्टैक लाइफ साइंस को अगर देखेंगे तो ये एक रेंज क्रिएट कर चुका है और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका लेफ्ट राइट शोल्डर, तो ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है। अगर कल एस्टैक लाइफ साइंस अगर 1446.4 के नीचे जाता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग सेल करेंगे। एंड अपना स्टॉप लॉस रहेगा 1487 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1417 का। सेकेंड टारगेट रहेगा 1389 का। एंड फाइनल टारगेट रहेगा 1308। ये जो फाइनल टारगेट है ये दो से तीन दिन हम लोगों को यहाँ तक आने में टाइम लग सकता है। फोर्थ नंबर पे है जो कि लास्ट स्टॉक है हम लोगों का, ये है टाटा केमिकल्स। एंड टाटा केमिकल्स में एक पोजिशनल ट्रेड भी हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि चार पाँच दिन का इसमें टाइम लग सकता है टारगेट अचीव होने में। एक रैली था मार्केट में, यहाँ से ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड जा रहा था, एक डाउन रैली देखने को मिला था, तो यहाँ से यहाँ मार्केट जितना गिरा ब्रेक डाउन के बाद मार्केट उतना ही पॉइंट्स गिरेगा, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग यहाँ से एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब हम लोग इसको वेट करना है कि ये जो रेंज बन रहा है, देखिए इसी जगह से बार बार मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, इसके नीचे नहीं उतर पा रहा। अगर इसके नीचे कल मार्केट क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 902.15 के नीचे का कैंडल बना देता है कल टाटा केमिकल, तो हम लोग सेल कर देंगे इसको। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 919 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 847 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 805 का। तो ये चार स्टॉक है इसमें हम लोग ट्रेड लेंगे कल। होप यार वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।